Today we are going to discuss using Alibaba.com searching for products कि किस तरह हम Alibaba को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सो माय नेम इज शाजमान, आई एम इनेबल्स कंसल्टेंट फ्रॉम मुल्तान। सो आई होप के यू नो के हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट था, कंप्लीट गाइड जो हमारी बन रही है कि किस तरह प्रोडक्ट को सोर्स करवाते हैं अलीबाबा से, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था कि क्या फंडामेंटल्स हैं, किस तरह अलीबाबा का एक होल इकोसिस्टम काम करता है। Today we are going to discuss using Alibaba.com searching for products कि किस तरह हम Alibaba को use करते हुए अपने products को search कर सकते हैं। तो let's start। अच्छा, so what you will going to learn in part 2, you know all कि we have almost 6 videos, हमारे पास 6 videos हैं जो हमने होपफुली वेरी बहुत जल्दी इस चीज़ को ना कवर कर लेना है। तो हमारे पास ना कुछ रूल्स हैं, पहले रूल्स ऑफ अलीबाबा, वो क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है और किस तरह इस चीज़ को लेके चलना है, वो ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। हाउ टू यूज़ Alibaba.com टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, किस तरह हम अलीबाबा के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे। और थर्ड पे हम देखेंगे हाउ टू स्पीक चाइनीज। अच्छा, आपने ये नहीं सीखना कि मैं आपको चाइनीज सिखाऊंगा, बट कुछ चीज़ें चाइनीज की बताऊंगा कि किस तरह चाइनीज से आप टैकल कर सकते हैं। यू नो नेगोशिएट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने अगली पार्ट में देखनी है, बट राइट नाउ चाइनीज से रिगार्डिंग ये है कि कौन से ऐसी वर्ड्स हैं जो हमने देखने हैं और उस चीज़ को यूज़ करना है इन हमारी जब नेगोशिएट जब सप्लायर से बात हो रही होगी, क्योंकि चाइनीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को नहीं जानता, तो हमें बहुत ज़्यादा सिंपल से अपने वर्ड्स रखने होते हैं। तो इस तरह की आप थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँगा। तो लेट्स प्रोसीड। सो राइट नाउ ना हमारे पास कुछ अनरिटन रूल्स हैं कि ये रूल्स आपने अपने जहन में लाजमी रखने हैं अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर को एग्री करवाना चाह रहे हैं कि यार आप मुझे ये प्राइस दे दें, तो ये रूल्स लाजमी अपने जहन में रखिएगा हर वक्त जब जब आप मैन्युफैक्चर से बात कर रहे होंगे। सो हमारे पास फर्स्ट रूल है, ट्राई टू फॉर्म अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। क्या आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाह रहे हैं और उसको ये चीज़ प्रिटेंड करवा देनी है। रूल नंबर सेकंड हमारा है, नंबर्स ऑन अलीबाबा मींस नथिंग। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अलीबाबा के जो फिगर्स शो हो रही होती है ना, इतना एमओ क्यू है तो इतना प्राइस है, तो वो नथिंग है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो आपने ये भी रूल याद रखना है। नंबर थर्ड पे जो हमारा एक रूल है, नेवर प्लेस लार्ज ऑर्डर बिफोर सीइंग सैंपल्स, मींस दैट कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्वांटिटी 10,000 एम ओ क्यू है या 5,000 इवन दैट 1,000 एम ओ क्यू भी है, तो सैंपल्स को देखे बगैर आपने अपने मास ऑर्डर को परसू नहीं करना, अदरवाइज यू विल हैव टू रेडी फॉर एनी नेगेटिविटी या कोई भी सेटिंग अप एंड डाउन जाएंगे तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। रूल नंबर 3 ये है। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, ऑलवेज नेगोशिएट। फॉर एग्जांपल अलीबाबा पे प्राइस $5 है, तो नंबर 2 रूल पे आए, मींस नथिंग, अलीबाबा नंबर्स मीन नथिंग। तो यही चीज आप कंसेप्ट जहन में रखें कि ऑलवेज नेगोशिएट, हमने नेगोशिएट लाजमी करना है। ये हम बेसिकली बहुत डिटेल में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Don't waste time with suppliers, go to manufacturer. Sorry for that, मैंने दो चीज़ों को क्यों सेपरेट किया है, डोंट वेस्ट टाइम विद सप्लायर्स,
थोड़ा सा फोकस करिएगा, डोंट वेस्ट टाइम विद सप्लायर्स। सप्लायर्स को मैं यहाँ थर्ड पार्टी ले रहा हूँ, थर्ड पार्टी मीन्स एजेंट्स ले रहा हूँ। गो टू द मैन्युफैक्चरर्स, गो टू द मैन्युफैक्चरर। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे या सप्लायर्स के पास जाएंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो बेसिकली इन फ्यूचर अगर कोई हमारा डिस्प्यूट या कोई भी इश्यूज अगर आते हैं तो हम वो ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्ट फैक्ट्री है, वो एक मैन्युफैक्चरर है। लेकिन सप्लायर में हम अगर एजेंट को कंसिडर करें तो एजेंट आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके आपको स्टॉक दे देगा, बट बाद में कोई भी अप एंड डाउन जाएंगे तो वो आपका खुद का इशू होगा, वो उसको खुद को आपको टैकल करना पड़ेगा। राइट, नंबर सिक्स पे हमने डिस्कस करना है कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग। रूल नंबर सिक्स क्या है? कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है? हमारी जो डे टू डे हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो तो ठीक है, हम स्काइप, व्हाट्सएप या विशिंग, विशिंग बेसिकली एक चाइनीज वर्ड है, इसको इंग्लिश में वी चैट कहते हैं, हम वी चैट पे कर सकते हैं। बट जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर हमने जो स्ट्रांग रखने होते हैं, हम अपने हैंड से सिक्योर रहना चाह रहे हैं, तो वो चीजें आपने मेल पे डिस्कस करनी है या सिर्फ अलीबाबा की प्लेटफॉर्म पे यूज करनी है, जिसमें हम कोई स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं या कोई भी एबीसी कोई इनोवेशन बता रहे हैं, तो वो सीधे अपने रिकॉर्ड्स में, क्योंकि अलीबाबा स्काइप व्हाट्सएप की और विशिंग की कोई चीज नहीं मांग रहा होता, वो एज अ प्रूफ के लिए अलीबाबा और ईमेल पे जाता है, उस चीज को वो एज अ उसमें प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। अच्छा, हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने अलीबाबा के अकाउंट पे आ जाते हैं ताकि आपको वो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। तो यू कैन सी ये बेसिकली अलीबाबा का एक अकाउंट है, इसको सिंपली आप alibaba.com पे आए, जिसका अकाउंट नहीं है वो सिंपली साइन अप कर ले और इस चीज को देख ले के बेसिकली क्या किस तरह इसको अकाउंट बना के वेरीफाई करवा ले। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी हमारे पास एक डिफरेंट मार्केट्स हैं जिसमें अप्रैल सिक्योरिटी प्रोडक्शंस, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एबीसी एबीसी, और अलग से बेसिकली हमारे कुछ कीवर्ड्स जो हम बेसिक रूटीन पे सर्च कर रहे होते हैं, नॉर्मली हमारे पास वो चीज़ें यहाँ आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुडी कॉटन, हुडी कॉटन 100%। अच्छा, लेट्स सी, ये हमारे पास ना हमने कीवर्ड रखा है हुडीज कॉटन 100%। तो अभी इस चीज को आप छोड़ दें, यहाँ आपके लेफ्ट साइड पे जो चीज आ रही है उसको देखें। सप्लाई टाइप्स बेसिकली आपने हमेशा ठीक है, सप्लाई टाइप आपने हमेशा ट्रेड एश्योरेंस और वैलिड सप्लाई वेरीफाइड सप्लायर पे आपने लाजमी क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमेशा आपने अपनी क्वांटिटी यहाँ मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी क्वांटिटी आपने करनी है। उसके बाद ऑल कंट्रीज एंड रीजन्स, याद रखिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो स्पेसिफाई कंट्री पे आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान है, तो हम वी कैन से दैट पाकिस्तान इज फेमस फॉर टेक्सटाइल, तो हम पाकिस्तान को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आटू हो गया है क्योंकि हमने हुडीज रखे हैं, तो ये आ गई टेक्सटाइल में, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। जापान आ सकता है फॉर टेक्नोलॉजी में, हाँ चाइना आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग, जो हांगकॉन्ग आ सकते हैं, ताइवान, काफ़ी सारी अगर हम यहाँ चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो फिल्टर्स लगा देंगे तो उसी कंट्री के अकॉर्डिंगली हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। उसके बाद नीचे भी वही चीज़ है, इंस्पेक्शन आपको चाहिए या आप थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लें। लेट्स सपोज वी कैन गो विद दैट सप्लायर हुडीज, आई नो इट्स फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल कि बेसिकली आपने किस तरह करना है। हम इस सप्लायर को हमने फाइनलाइज किया और हम इस पे ही जा रहे हैं कि यार हमने इस सप्लायर से चीज़ें बाय करनी है, तो हम एक पूरा इसका एक सेंटेन ना लेआउट ले लेते हैं और देख लेते हैं। अच्छा, अब बेसिकली देखें ये हमारे पास बेसिकली कुछ ओवरव्यू आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट की डिस्क ओवरव्यू आ रहा है इसका, प्लेस ऑफ रीजन, थोड़ी सी कंपनी की डिटेल्स, यहाँ आप साइड देखें हमारे पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। इट टेक सम टाइम टू लोड निंगो स्वीडन इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास बेसिकली थोड़ी सी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ गई, इनकी एक्सपीडिशन, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर जिसको हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस कहते हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा आप रीड कर लें। आर यू फैक्ट्री और ट्रेडिंग अपनी, वी आर वर्टिकली फैक्ट्री स्पेशलाइज्ड इन ऑल कट। देखिए FOQ क्यों पढ़ने में हमें क्या फायदा है, वो हमें बता रहे हैं कि बेसिकली आर यू फैक्ट्री और ट्रेडिंग अपनी,
Yes, we are a factory specializing all kits, can accept OEM or ODM. Yes, we both. ठीक है, इस तरह की डूइंग स्पेक्स फिनिश प्रोडक्ट, यस यस यस, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, थोड़ी सी पैकेजिंग वगैरह. अब बेसिकली हम थोड़े से ऊपर आते हैं टाइटल पे, और बाकी चीजें जो हमारी मेन कंसर्न है उसको किस तरह हमने देखना है. ये देखें, हाई क्वालिटी विद कॉटन, 100% कॉटन OEM, एक ये एक हम कह सकते हैं स्पेसिफाई नेम है जो इस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं, प्लेन हुडीज यूनिसेक्स. अच्छा, हमारा रूल नंबर, एक रूल मैंने बताया था, नंबर्स ऑन अलीबाबा मीन नथिंग, नंबर ऑन अलीबाबा मीन्स नथिंग. तो यहाँ भी आपने याद रखना है कि नंबर्स ऑन अलीबाबा मीन्स नथिंग, ये हमेशा निगोशिएट प्राइस होते हैं, हमेशा. दूसरे हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा था, ऑलवेज निगोशिएट, हमेशा. जब भी आपने किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है तो ये जो 6 रूल्स जो मैंने बहुत ही सोच समझ के राइट किए हैं, ये आपने हमेशा अपने जहन में रखते हुए इस चीज को अपने सप्लायर्स को फाइंड आउट और लिस्ट आउट करना है. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इसमें हम थोड़ा सा ना होप करते हैं, लेट्स सपोज हम एज्यूम करने जा रहे हैं अमाउंट्स 100 to 900 pieces, मतलब ऑलमोस्ट 1000 pieces तक अगर आप लोगे 100 से, तो या राउंड अबाउट आपको 9.28 तक पड़ेगी. ये तो एक कंफर्म बात है, ग्रेंटेड है कि हम अपना MOQ, जिसको हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, वो जिस तरह हमारी MOQ बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, प्राइसेस हमारी फ्लक्चुएट होगी, नीचे आती जाएंगी. तो ये चीज़ आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है. अब 100 to 1000 pieces, 9.28 dollars, ठीक है, पर पीस. उसके बाद 1000 to 5000 pieces, ऑलमोस्ट 1 dollar का हमें कुछ इम्पैक्ट और फर्क आ रहा है, 8.68 dollars. 5000 से ऊपर 7.88, ऑलमोस्ट कोई 3-1 dollar वो नीचे आ चुके हैं अगर हम 5000 से अबव लेंगे. अब क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पे 10,000 MOQ पे जाएंगे तो क्या ये 6.50 पे आएगा? क्या अगर हम 20,000 क्वांटिटी पे जाएंगे, क्या ये 5 डॉलर पे आएगा? MOQ बढ़ता जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएट होकर नीचे आती जाएगी, ये आपने चीज लाजमी रखनी है याद. अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने किस तरह इस चीज पे देखना है. अच्छा, फर्स्टली आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी. अच्छा, अब ना थोड़ा सा हम अपने उस पे वापस आते हैं. ये रूल्स बेसिकली एक अनरिटन रूल्स हैं जो आपने याद रखने ही रखने हैं अगर आप एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर को ढूंढ रहे हैं या उससे आप बिजनेस करने जा रहे हैं. दोबारा मैं बता दूं, ये 6 रूल्स बहुत कीमती हैं. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक चीज बार बार आपके जब जहन में रिवॉल्व होगी तो आपको लगेगा यार ये रूल्स हैं ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. अच्छा, कुछ आ, आ, ये टेम्पलेट मैंने अभी बहुत सोच समझ के बनाया. अब आपने इस चीज को समझना है, डियर ABC या XXS, आपका इसमें नेम आ जाएगा. दिस इज शाहजमान, अपना नेम मेंशन कर दें, फ्रॉम पाकिस्तान, अपनी कंट्री का नेम मेंशन कर दें, वी जस्ट स्पोक ऑन अलीबाबा चैट. अच्छा, राइट नाउ इससे पहले इस चीज से पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक सेकंड से मुझे दीजिएगा, सॉरी. हाँ, सबसे पहले ना आपने कांटेक्ट कर लेना अपने सप्लायर से. सप्लायर से कांटेक्ट करने में आपने हाय कहना है, वो हाय हाउ आर यू सर, हाउ कैन मे आई हेल्प यू, इस तरह के वो क्वेश्चन देंगे. आपने कहना है कि व्हाट्स योर प्राइसेस, तो फॉर एग्जांपल वो कहेंगी सर इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर MOQ, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड है. तो वो आप कहेंगे कि मुझे 10 पीसीस चाहिए. स्टार्ट में आप कहते हैं 10 चाहिए, सिर्फ 10 10,000 है या जो भी, आपने स्टार्ट में कहते हैं 10 पीसीस मुझे चाहिए. अब बेसिकली होगा क्या, जब आप उनको 10 पीसीस बताएंगे तो वो क्या करेंगे, अगर तो वो सप्लायर हुआ या कोई एजेंट हुआ, वो 10 पीस तो बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. वो कहेगा यार टाइम वेस्ट है, मैं कितना प्रॉफिट कमा लूंगा. और सेकेंडली,
जब हम गेट कोटेशंस कर रहे होते हैं अलीबाबा पे, तो हम ऑलमोस्ट 100+ कर रहे होते हैं, क्योंकि अलीबाबा इज B2B प्लेटफॉर्म। लेकिन सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को, जिसे हम चेक कर रहे होंगे कॉन्टेक्ट सप्लायर के बाद, जब वो आपको कहेगा ठीक है वी विल गो फॉर इट, आप उसे प्राइसेस वगैरह ले लें और उससे ईमेल निकलवा लें, वो आपको कह देगा प्लीज कंफर्म योर ईमेल, आप उसको ईमेल दे दें, वो आपको कंफर्म कर देगा। उसकी ईमेल आने के बाद अभी उस पे निगोशिएट ना करें, सिंपली कह दें कि सर मुझे ईमेल कर दें, कहेंगे ये चीज ना। उसकी ईमेल आने के बाद तब ये बेसिकली आपने पूरा एक टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं। इसको आप किस तरह यूज कर सकते हैं, डियर सप्लायर का नाम, दिस इज शाहजमान, अपना नेम फ्रॉम योर ओन कंट्री, वी जस्ट स्पोक ऑन अलीबाबा चैट, जो भी हम चैट की थी 10 पीसीस का बताया और थोड़ा सा अपने बारे में बताया, वी आर बिजनेस लुकिंग टू बाय हुडीज 100% कॉटन फ्रॉम चाइना फॉर एग्जाम्पल, अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन करें, वी विश टू फॉर्म अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, रूल नंबर वन, वी विश टू फॉर्म अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर, बट वी नीड टू स्टार्ट विद लो MOQ। अलीबाबा रूल नंबर थर्ड हमारा आई थिंक सो सेकेंड था कि फिगर्स ऑन अलीबाबा इज नथिंग, वॉज नथिंग, फिगर्स हमने कभी काउंट नहीं करने, बट वी नीड टू स्टार्ट विद अ लो MOQ, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन डू लो MOQ को स्टार्ट, वी नीड ओनली 100%, 100 पीस ऑन नाउ, दोनों चीजें आ गई हैं, MOQ लो, वी नीड ओनली 100 पीसेज नाउ। रूल्स बेसिकली आपने सारे के सारे अपने जहन में रखने हैं, डू लो MOQ को स्टार्ट, वी नीड ओनली 10 पीसेज नाउ, पुट आवर लोगो ऑन द प्रोडक्ट, वी नीड हुडीज आर मेड फ्रॉम 100% ऑर्गेनिक कॉटन, कलर ब्लू विथ फुल जिप, इफ यू हैव समथिंग सिमिलर टू दिस, या कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो आप अपनी लिंक डाल दें। याद रखें अगर ये चीज आप गेटो कोटेशन में कर रहे होंगे तो ये आपका लिंक वाला गेटो कोटेशन में नहीं जाता, इंसर्ट योर प्रोडक्ट लिंक प्लीज लेट मी नो, ऑल्सो सेंड मी योर फुल कैटेलॉग सो आई कैन सी इफ देयर आर अदर प्रोडक्ट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वीशिंग सॉरी वीचैट, वीचैट बेसिकली एक चाइना का हम कह सकते हैं चैटिंग प्लेटफॉर्म है, जो पाकिस्तान में तो जिस तरह हमारी ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना व्हाट्सएप यूज हो जाता है, बट मोस्टली सप्लायर और मोस्टली मैन्युफैक्चरर यूज कर लेता है, बट एक रिलायबल चीज़ है। आप वीचैट कर लें थोड़ा सा ईमेल वेरिफिकेशन का इशू आता है, बट अकाउंट का, बट हो जाता है 100% सक्सेस हो जाता है। ईमेल रूल नंबर थर्ड आई थिंक सो, कीप रिकॉर्ड्स योरसेल्फ। उसका क्या मतलब था कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो स्पेसिफिकेशंस या कोई भी ऐसी चीज होनी जा रही है, वो हमेशा अपने रिकॉर्ड में रखें आप लोग। हाँ, जो डेली की चैट्स हैं, मैंने स्टार्ट में बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो डेली की चैट्स हैं ना, वो बेसिकली आप वीशिंग या व्हाट्सएप पे कर लें, या स्काइप भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, वो उसे दे दें, जो बेसिकली सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को जो चीज़ ईजी होगी, जो इसके लिए ईजी टू यूज होगी, वो आपसे उस चीज में कॉन्टेक्ट कर लेगी। अब बेसिकली राइट नाउ वी आर ऑल एंड रिगार्डिंग यूजिंग alibaba.com एंड सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली ये चीज जो, ये जो टेम्पलेट है, इसको थोड़ा सा आप चेंज करके ऑलमोस्ट 10+ सप्लायर्स, 10 को तो किसी ना किसी तरह आपने भेज देना है, फिल्टर आउट करके, जिस तरह अभी हमने पूरा फिल्टर आउट किया था उसका, कंपनी इंफॉर्मेशन और बाकी सारी डीप में चीजें हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। राइट नाउ हाउ व्हाट इज अलीबाबा, जो ये हमारा है यूजिंग alibaba.com एंड सर्चिंग प्रोडक्ट, सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स की किस तरह हम सर्च करते हैं, और ये चीजें जो आपको मैं टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ, ये जो एक सिंपल सा यूनिक सा, जो 100% हमें रिस्पॉन्स, और 100% जो हमें कह सकते हैं कि एक गुड टू सी दैट है कि इसको हम यूज कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो ये कोई 10 एक सप्लायर्स, 5 एक सप्लायर्स, 3 एक सप्लायर्स, जितने भी हैं ABC फिल्टर आउट करके उन सबको भेज दें, आफ्टर दैट उनसे डिस्कस करते जाएं। याद रखें रूल्स को नहीं भूलना, आपने दोबारा बता दूं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, नंबर्स कुछ भी मायने नहीं रखते, नेवर प्लेस लार्ज ऑर्डर, कभी लार्ज प्लेस नहीं करना, सैंपल्स देखने के बाद निगोशिएट हमेशा करवाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग। आई होप कि दिस वीडियो क्लियर्स योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग alibaba.com एंड अदर थिंग्स।
If you have any other question regarding this part two, that Alibaba.com and searching products, you can ask me in comments. Feel free to ask. Inshallah, see you on.